आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अभी तक हमने पढ़ा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिव पार्ट से होता है। आपको बताया था रूट से हो सकता है, स्टेम से हो सकता है, लीफ से हो सकता है, ठीक है। इन तीन चीजों को आप वेजिटेटिव पार्ट भी कहते हैं और ये वेजिटेटिव पार्ट से जो रिप्रोडक्शन होता है उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब है आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड का मतलब होता है जो नेचुरली नहीं हो रहा है, जो आप करा रहे हो, जो इंसान करा रहा है, कोई और पर्सन करा रहा है रिप्रोडक्शन, उसे कहते हैं आप आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बुक में आपको साफ साफ दी हुई है, ठीक है, कि अगर आप आर्टिफिशियल मेथड से रिप्रोडक्शन कराते हो थ्रू वेजिटेटिव पार्ट तो उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके कई सारे तरीके होते हैं। पहला होता है ग्राफ्टिंग, ठीक। दूसरा होता है आपका कटिंग। तीसरा होता है लेयरिंग, ठीक। एक होता है टिश्यू कल्चर, ठीक। ये चार आपको बताए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग किसे कहते हैं? ग्राफ्टिंग में क्या होता है, सपोज करो कि आपके पास ये एक किसी एक चीज का पौधा है, ठीक है, ये किसी एक चीज का पौधा है, कोई एक प्लांट है आपके पास, इसी चीज का एक और प्लांट है आपके पास, दोनों सेम चीज के प्लांट है, ठीक है। लेकिन जो हमारा ये वाला प्लांट है ये उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा ये है। सपोज हमारा ये कोई फ्लावर का प्लांट है, ठीक है, इसपे जो फ्लावर्स आते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं या बहुत जैसे मुरझाए हुए होते हैं, और इस पर जो फ्लावर्स आ रहे हैं वो खूब बड़े बड़े हेल्दी फ्लावर्स आ रहे हैं, ठीक। तो आप क्या चाहोगे कि ये वाला पेड़ भी हमारा इस तरीके का बन जाए, तो आप क्या करोगे, ये वाले पेड़ में ये जो इसकी स्टेम है इसको इस तरीके से लाइक दिस टेढ़ा करके कट कर देंगे, ठीक है। हमने ये टेढ़ा कट कर दिया, ये यहां से ऐसा हो गया, ठीक। अब हमने ये जो अच्छा वाला था इसको लिया और इसको हमने कैसे कट किया, इसको भी हमने इस तरीके से कट कर दिया, ठीक। अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसका, इसका नीचे वाला नहीं लिया, इसका ऊपर वाला पोर्शन लिया और जो ये वाला पौधा था इसका नीचे वाला था, अब आपने क्या किया, इसमें ये जाकर अटैच कर दिया, ठीक। इसके ऊपर एग्जैक्टली ऐसे बिठा दिया आपने और इसके ऊपर रस्सी बांध दिया आपने, ठीक है। कुछ दिनों तक वो रस्सी, कई बार क्या करते हैं इस पे थोड़ी मिट्टी भी लगा देते हैं, फिर एक पट्टी सी बांध देते हैं, ठीक। कुछ दिनों तक वो हम बांधे रखते हैं। जब कुछ दिनों तक बंधा रहता है तो ये जो दोनों पोर्शन थे ये आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। आप क्या करोगे, जो आपका अच्छा वाला प्लांट है उसके नीचे आपको ये रखना है और जो ऊपर, सॉरी, जो नीचे वाला है वो एज इट इज ये वाला रहा, ऊपर आपने अच्छा वाला लगा लिया। और अब ये जो पौधा होगा ये भी, क्योंकि अच्छा वाला आपने लगाया है तो ये वाला जो खराब वाला था ये भी कैसा बन गया, अच्छा वाला पौधा। समझ आया ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, ठीक।